हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल वी आर डूइंग दी फोर्थ चैप्टर ऑफ बायोलॉजी उसमें अब हम नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं जिसमें हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिस्कस करने वाले हैं आई होप आपको पहले के जो लेक्चर्स हैं जो भी हमने कंटेंट पढ़ा पढ़ाया है या शेयर किया है वो आपको समझ में आया होगा आई होप यू आर इन्जॉइंग इट एंड यू आर बींग बेनिफिटेड बाई इट तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स अगेन द सिंपल स्मॉल जेन्यन रिक्वेस्ट आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए चलिए स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या हैं कि हम ऐसे एक स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर जिसको हम पिरामिड बोलते हैं पिरामिड आपको पता होगा क्या होता है कि एक जैसे ये जो दे रखा है पिरामिड ऑफ बायोमास मतलब कि बेस बड़ा है जैसे कि हमारा ट्रायंगल होता है और जब वो टॉप पे जाता है तो वो ऐसे स्लोप होती जाती है पॉइंटेड होता जाता है ठीक है तो पेरामिड इज अ शेप विद अ लार्ज बेस दैट टेपर्स एट ईच लेवल एंड एंड्स एट अ स्मॉल पॉइंट एट द टॉप हर तरफ से पिरामिड जो है उसकी जो एंड्स हैं वो टेपरिंग होती रहती है ऊपर जाके वो पॉइंटेड uh, हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि बेस जो है वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं और जब टॉप पे जाते हैं तो वो चीज़ें कम होती जाती हैं एज सच हमने एक सेंग भी पढ़ी है आपने पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी है कि इज ऑलवेज लोनलीनेस एट द टॉप आप कहीं भी टॉप पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे होंगे या कहीं भी किसी चीज़ के जब आप पीक पे पहुँचेंगे एपिक्स पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे Uh, usually a very very less number of people are there so obviously that creates loneliness Or फिर fir aapka ऐसा हो जाता है कि ki you cannot interact with द uh, मास हर से हर इंसान से आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं सो दैट इज बै दे से दैट देर इज लोनलीनेस एट द टॉप सो एनी हाउ वी आर डिस्कसिंग बायोलॉजी इसमें हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करें इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है क्या रिप्रेजेंट करता है सो एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ पिरामिड शेप्ड डायग्राम दैट शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बायोमास एंड एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल मतलब कि हम पेमिड्स जो हैं वो किस चीज़ चीज़ की देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से हम पिरामिड बना सकते हैं जिसको हम पिरामिड ऑफ नंबर्स बोल देंगे बायोमास के हिसाब से बना सकते हैं तो हम उसको पिरामिड ऑफ बायोमास बोल देंगे और एनर्जी होगा तो पिरामिड ऑफ़ एनर्जी हो जाएगा तो इन चीज़ों को हम हर ट्रॉफिक लेवल पर रिप्रेजेंट करके उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रजेंट कर सकते हैं एंड दैट इज़ दी पिरामिड जैसे कि हमने एक सिंपल फूड चेन का एग्जाम्पल लिया ग्रास से स्टार्ट किया फूड चेन ग्रास हमारे ग्रीन प्लांट है प्रोड्यूसर है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया द डियर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल दैट इज दर्बी वॉर फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर टाइगर जो है छोटी सी फूड चेन है तीन ही स्टेप की फूड चेन है टाइगर जो हो गया वो हमारा सेकेंड लेवल ऑफ कंज्यूमर हो गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया और फर्स्ट कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म हो गया इस पर्टिकुलर फूड चेन में छोटी सी फूड चेन है अब आप इसमें इस, इस पिरामिड ऑफ नंबर को मत देखिए अभी आप ये सोचिए कि आ, ग्रास कितनी नंबर ऑफ ग्रास ब्लेड्स या कितनी घास डियर खाएगा क्या डियर कि उसका पेट भर जाए क्या डियर एक या दो या टेन ग्रास ब्लेड्स खाएगा या और ज़्यादा खाएगा घास के तिनके की बात करी मैं ग्रास ब्लेड्स है ना तो बहुत सारी घास खाएगा तो एक डियर का पेट भरेगा है ना और अब हम डियर की बात करें यहाँ पे आपको एनर्जी लेवल्स चलिए पहले मैं ये बात करती हूँ फिर मैं एनर्जी की बात करती हूँ अब एक टाइगर जो है टाइगर इज़ अगेन अब ह्यूज एनिमल तो टाइगर का क्या एक डियर से पेट भर जाएगा नहीं भरेगा उसको भी एक से ज़्यादा डियर खाने पड़ेंगे तब उसका पेट भरेगा तो मतलब ये है कि लेवल्स जैसे जैसे ऊपर होते जाएंगे तो नंबर जो है वो कम होता जाएगा एनर्जी भी कम होती जाएगी क्योंकि हमने Q10 टेन लॉ पढ़ा है Q10 के लॉ Q10 टेन लॉ जो है एनर्जी का उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि हर लेवल पे ओनली 10 परसेंट ऑफ एनर्जी इज ओनली इज़ पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल सोलर एनर्जी का 1 परसेंट ट्रैप करते हैं ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स जो एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं उसका सिर्फ टेन वो हर आगे नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफ़र करते हैं ओनली टेन इज़ ट्रांसफर्ड सो एनर्जी कम होती जा रही है तो यहाँ पे देखिए पिरामिड ऑफ नंबर का डायग्राम दे रखा है ट्रॉफिक लेवल वन जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोड्यूसर्स और द ग्रास और द ग्रीन प्लांट्स दे आर ईटन बाय द हर्बी वोज और पॉपुलेशन ऑफ डियर दैट रिप्रेजेंट द ट्रॉफिक लेवल टू और द फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स देन ट्रॉफिक लेवल थ्री में है हमारे कार्निबोरस एनिमल और द फर्स्ट सॉरी सॉरी द सेकेंड लेवल ऑफ कंज्यूमर एंड दे आर दी टाइगर्स टाइगर की जगह आप और भी कोई ले सकते हैं लाइन ले सकते हैं पैंथर ले सकते हैं लेपर्ड ले सकते हैं सो दिस रिप्रेजेंट्स अ पिरामिड ऑफ नंबर्स कि ग्रास का नंबर सबसे ज़्यादा होगा डियर का नंबर उससे कम और जो टॉप पे है जो हमारा कार्निवोर उसका नंबर सबसे कम होगा और उसको एनर्जी भी कम मिल रही है ठीक है सो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ फूड चेन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन अ पिरामिड ईच बार रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन जो बार uh, है जो हम ये जो अपने पिरामिड का जो सेगमेंट्स बना रहे हैं ना तो हर सेगमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है एट द बेस ऑफ द पिरामिड आर द प्रोड्यूसर्स द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इज द लार्जेस्ट यहाँ पे ग्रास की बात हो रही है ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है और हमेशा नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा होता ही होता है एक पिरामिड में इट इज ऑलवेज द केस अबव द बेस बार आर दी हॉबीवोस यहाँ पे डियर है एट द टॉप ऑफ द पेामिड आर दी कारिवोस और यहाँ पे हमारा ये वाले इस पिरामिड की बात करें यहाँ पे हमारा टॉप पे जो एनिमल था दैट वॉज दी टाइगर तो यहाँ पे नंबर्स रिड्यूस होते जा रहे हैं ऑब्वियसली नेक्स्ट जो पिरामिड है दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास अब हम बात कर रहे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की अब इसको देख लेते हैं एक बार पेराम ऑफ बायोमास में देखिए इसमें बायोमास लिया मतलब मास लिया है हर ऑर्गेनिज्म का तो जो बेस में है जो ट्रॉफिक लेवल वहाँ पे क्या लिया है बायोमास ऑफ ग्रास अब ग्रास जितनी कंज्यूम हो रही है पूरे लैंड एरिया में ग्रास है ऑब्वियसली उसका मास बहुत ज़्यादा होगा और जितने डियर उस ग्रास को कंज्यूम कर पाएंगे उनका मास उससे कम होगा और टाइगर का मास सबसे कम होगा हम कंपेयर कर रहे हैं तो हर ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे ऊपर मूव करते जाएंगे तो वेट में रिडक्शन आएगा मास में रिडक्शन आएगा सो द बायोमास ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ फूड चेन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन अ पिरामिड ईच बार बारिप्रेजेंट्स बायोमास बायोमास इज द मास ऑफ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दैट ट्रॉफिक लेवल मतलब एक ग्रास का बायोमास ले जितने ग्रास प्लेट्स है उसे मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल बायोमास मिल गया सिंपल इट ऑल्सो इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जितना बायोमास होगा उतना ही तो फूड नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल है तो वेन एनिमल्स ईट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ देयर फूड इज कन्वर्टेड इंटू द नेक्स्ट टीशू इन टू द न्यू टिशू दैट इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन ये यही मैं कह रही हूँ क्यू टेन लॉ की बात कर रहे हैं ये कि उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि जितना भी आप कंज्यूम कर लो उसका सिर्फ टेन परसेंट ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा आपके पास कुछ भी है उसका टेन परसेंट ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में तो आ, हर ट्रॉफिक लेवल पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो एनर्जी जो है वो कम हो रही है लेस बायोमासज ट्रांसफर्ड लेस एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल तो जो हमारा जो बेस में जो बायोमास था वो सबसे ज़्यादा है जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो बायोमास का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा सो द बायोमास इन ईच ट्रॉफिक लेवल इज़ लेस देन द एट द ट्रॉफिक लेवल बिलो प्रीवियस वाले ट्रॉफिक लेवल से कम होगा एट द बेस आर द प्रोड्यूसर्स दैट हैव द मैक्सिमम बायोमास यहाँ पे ग्रास है हमारे ये वाला जो एग्जाम्पल था इसका मैक्सिमम मास होगा ग्रास का फिर नेक्स्ट बार में हर्बीवोस हैं जो कि डियर हैं हमारे उनका कम बायोमास होगा प्रोड्यूसर से कम होगा टॉप मोस्ट पे हमारे जो कारनीवोर्स है टॉपर्स टॉप मोस्ट हमारा जो, जो ट्रॉफिक लेवल है थर्ड ट्रॉफिक लेवल उसमें जो कारनीवोर्स है लाइन है उसका बायोमास सबसे कम होगा तो ये हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास ऐसे ही पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है ठीक है पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ़ बायोमास पिरामेड ऑफ़ एनर्जी सब में वो चीज टेपर करती जाती है बेस ब्रॉड uh, होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इट टेपर्स पॉइंटेड हो जाता है ऊपर जाके कम होता जाता है ठीक है सो दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस पिरामिड्स पिरामिड्स ऑफ एनर्जी पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ नंबर्स अब ये इतना सही आपके बुक में दे रखा है ज़्यादा डिटेल नहीं है तो विल स्टिक टू तो दी सिलेबस अब हम एक्सरसाइज करते हैं इसमें दे रखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए टिक द करेक्ट ऑप्शन पहले सारे ऑप्शन को पढ़ा करिए ऐसे नहीं कि हाँ पहला ऑप्शन देखिए हाँ ये तो सही है यही वाला सही है मुझे आता है बच्चे कई बार ओवर एक्साइटेड में खुश हो जाते हैं ज़्यादा उसमें गड़बड़ हो जाती है ठीक है चलिए पहला कहते हैं एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर एनिमल्स प्लांट्स से क्या लेते हैं एनिमल्स प्लांट्स से सी लेते हैं नहीं नाइट्रोजन लेते हैं नहीं ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि प्लांट्स का ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट बोथ ए एंड बी रॉन्ग है देन प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंडेंट नहीं है किस चीज़ के लिए सी ओ टू के लिए पॉलिनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सीड्स के लिए न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल के लिए या फूड के लिए देखो सी ओ टू के लिए एनिमल्स पे डिपेंडेंट है क्योंकि एनिमल्स रेस्पायर करते हैं सी ओ टू देते हैं प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं एंड डिस्पोजल में येस एनिमल्स हेल्प आउट अलॉट न्यूट्रिएंट्स इन सॉयल येस एनिमल्स वे डायट दे डिग्रेड उनके जो बॉडी के जो कंपोनेट्स हैं दे आर कन्वर्टेड इन टू न्यूट्रिय इन सॉइल तो फूड जो है प्लांट्स का वो वो खुद बनाते हैं उसके लिए वो एनिमल्स पर सर्टनली दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स फॉर देर फूड बिकॉज दे परफॉर्म इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग शोज सिम्बाइसिस सिम्बाइसिस कौन शो कर रहा है सिम्बाइटिक एसोसिएशन क्या है आपको ध्यान है कि सिम्बाइसिस क्या था एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों पार्टनर्स म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो ये सिम्बाइसिस के हमारे हमने दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे एलगी और फनजाई जो लाइकन जो फर्स्ट वाला है हमारा उस एसोसिएशन को क्या था वो एल और फंगय फनजाई की जो एसोसिएशन थी देवर द लाइक नेक्स्ट इज राइजोबियम एंड लेग्युमिनस प्लान्स राइजोबियम एंड लेग्युमस उट इच अदर राइजोबियम जो है वो लेग्यूनस प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं उसको नाइट्रोजन ना, एरियल जो गैस है जो हवा में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके देते हैं और लेग्यस प्लांट्स उनको फूड प्रोवाइड करते हैं बदले में सो बोथ ए एन बी आर करेक्ट प्लास प्लासमोडियम और मॉस्किटो जो हैं दे आदि ये दोनों पैरासाइट्स हैं ये बिल्कुल भी अपने होस्ट को हेल्प नहीं करते हैं तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बोथ ए एंड बी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट लिव्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा पैरासाइट रहता है हाउस फ्लाई नो मक्की हमारे अंदर थोड़ी रहती है टेप वॉम यस टेप टेपम इंटेस्टाइन में रहता है इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन पैरासाइट जो कि बच्चे अगर बहुत मिट्टी में खेलते हैं या गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं नेल्स में डर्ट होते हैं लेते हैं तो ये बहुत कॉमन एक इन्फेक्शन है छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है मॉस्किटो नो बोथ ए एंड बी नो नेक्स्ट अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईट फॉर फूड इज कॉल्ड एक लिंकिंग है जिसमें कि एक ऑर्गेनिजम uh, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिजम खाता है फिर दूसरे को तीसरा खाता है इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट फूड चेन तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया फूड चेन फूड वेब क्या होता है फूड वेब इज़ द लिंकिंग ऑफ फूड चेन्स जो फूड चें्स की जो इंटरलिंकिंग होती है दैट इज़ फूड वेब फूड नेटवर्क हमने ऐसा मतलब वही फूड वेब जो है फूड नेटवर्क हो गया नन ऑफ दीज तो सही नहीं है ओके नेक्स्ट इज़ विच फूड चेन इज़ नॉट पॉसिबल इन द फॉलोइंग कौन सी फूड चेन पॉसिबल नहीं है फर्स्ट वाली देखते हैं ग्रास ग्रास हॉपर फ्रॉक ठीक है दिस इज़ पॉसिबल ग्रास को डियर ने खाया डियर को लाइन ने खाया ये भी पॉसिबल है प्लांट को स्मॉल बर्ड ने कहा स्मॉल बर्ड को कैटरपिलर ने कहा ये पॉसिबल नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ग्रास को रैबिट ने कहा रैबिट को फॉक्स ने कहा ये भी पॉसिबल है ओके ईच लेवल ऑफ द फूड चेन्स इज कॉल्ड द जो फूड चेन के जो लेवल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स ठीक है वी कॉल देम ट्रॉफिक लेवल्स सेकेंडरी टर्जरी ये सारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग इसमें कॉलम ए और बी दे रखा है जिसमें आपको मैचिंग करनी है तीन तीन आपको टर्म्स दे रखे हैं कॉलम ए में सिम्बाइसिस पैरासिटिज्म एंड प्रिडेशन और उनकी डेफिनेशन दे रखी कोलम्बी में यू हैव टू मैच दम बहुत सिंपल है ये सिम्बाइसिस क्या होता है सिम्बाइसिस एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन है जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं सो म्यूचुअल एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव एंड वर्क टुगेदर फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स इज सिम्बाइटिक एसोसिएशन या सिम्बाइसिस नेक्स्ट इज पैरासीटिज्म पैरासीटिज्म क्या हो जाएगा जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर फीड करता है और उसको नुकसान पहुँचाता है सो so, इंटरेक्शन इन विच एन ऑर्गैनिज्म डिराइव्स एडवांटेज फ्रॉम अनादर ऑर्गेनिज्म इन द फॉम ऑफ फूड और शेल्टर एंड इन टर्न हार्म ये भी ध्यान रखिएगा कि वो हार्म पहुँचाता है एंड इन टर्न इट कॉज हार्मू द होस्ट क्या बोलते हैं हम होस्ट बोलते हैं ना उसको पैरासाइट रहता है होस्ट पर होस्ट होस्ट को नुकसान पहुँचाता है ओके okay. नेक्स्ट इज प्रिडेशन प्रिडेशन क्या है जहाँ पे एक बड़ा एनिमल एक छोटे एनिमल को मार के खा जाता है उस परिडेट मतलब प्रिडेशन प्रेडे, करता है शिकार करता है उसका उसको खा देता है तो इंटरेक्शन इन विच लार्ज ऑर्गेनिज्म अटैक्स किल्स एंड फीड्स ऑन स्म एनजम दैट इज़ प्रिडेशन सो हियर वी फिनिश विद दिस एक्सरसाइज ऑल्सो ये तो बहुत ही छोटा लेक्चर हुआ मेरे हिसाब से मैं सोच रही थी शायद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो आई uh, होप आपको समझ में आया होगा छोटे छोटे ही लेक्चर्स बना रही हूँ मैं इसके बाद है फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इको सिस्टम के बाद एक्सरसाइज तो so, सिर्फ दो लेक्चर्स ही बचे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में देन विल भी डन विद दिस चैप्टर टेक केयर स्टडी वेल कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए एंड डोंट गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ओके टेक केयर स्टडी वेल